तो क्या है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केस बेस्ड प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, कनिका वाज गिवेन हर पॉकेट मनी ऑन जनवरी 1, 2008। यहाँ पे क्या बोला कि कनिका जो है पॉकेट मनी देती है, ठीक है, किसको देती है? तो यहाँ पे लिखा गिवेन हर, मतलब यहाँ कोई नाम, मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, 1 जनवरी 2008 को। जनवरी है, जनवरी में आपको सबको पता है कि कितने दिन का होता है, तो 28 डेज का होता है, सॉरी 31 डेज का होता है। सी पुट्स 1 रुपीज ऑन डे वन, ठीक है, वो क्या करती है, 1 रुपीज पुट करती है डे वन को, 2 रुपए डे टू को, 3 रुपए डे थ्री को, यानी कि इस टाइप से कंटिन्यू रहता है। चौथे दिन 4 रुपए, पांचवें दिन 5 रुपए, छठे दिन 6 रुपए, 10वें दिन 10 रुपए, 20वें दिन 20 रुपए, इस टाइप से वो कंटिन्यू करती है। एकदम सिंपल सा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम हिज मनी इन टू हर पिगी बैंक सी ऑल्सो स्पेंड 2004 ऑफ हर पॉकेट मनी, ठीक है, वो उसमें से क्या करती है, 204 रुपीज स्पेंड करती है ऑफ हर पॉकेट मनी, एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ सी स्टिल हैड 100 रुपीज विथ हर। और उसके पास उसको पता चलता है कि 100 रुपए अभी भी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, हाउ मच कनिका टेक टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम पॉकेट मनी, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि हाउ मच कनिका टेक टिल द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द पॉकेट मनी। तो पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, यानी कि एपी बनाना चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस टाइप से चलता रहेगा, और कहां तक जाएगा, 31 डेज को 31 रुपीज देगी। तो ये हमारा एपी बन गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मच कनिका टेक, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे निकाल देना है कि टोटल पैसा कितना हुआ, है ना। तो एस एन निकाल देना है, तो आइए एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 (2a) + n-1 (d), यही होता है एस एन। एन कितना है, 31 है, 31 डेज होता है, तो एस 31 निकालना है। एन का वैल्यू पुट कर लीजिए, 31/2 (2)(1), ए का वैल्यू 1 है, प्लस n-1 यहाँ पे जो दिया हुआ है भैया, एन का वैल्यू 31 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 31 (d). d का वैल्यू कितना है, 2-1 है भाई, 1 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना हो गया, एस 31 = 31/2, है ना, ये हो गया 2 + ये 30, 30 × 1 = 30। तो हमारे पास आ गया एस 31 = 31/2 × 32, ये इससे कैंसिल कर देंगे, 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो एस 31 = 16 × 1 = 16 (+1) = 48 + 1 = 49, यानी कि टोटल वो कितना है ना, क्या हाउ मच कनिका टेक टिल इन द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द पॉकेट मनी। तो टोटल इतना पॉकेट मनी से उसे देखने को मिलता है कि 496 रुपीज होते हैं, ठीक है। अब सेकंड में दिया हाउ मच वाज पॉकेट मनी फॉर द मंथ, है ना, इतना उसे पॉकेट मनी से स्पेंड कर दिया, कर देता है। तो हमसे पूछा है कि उसके पास टोटल पॉकेट मनी कितना था। तो एक तो हमें यहां पे दिया हुआ है, एकदम सिंपल फॉर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, लेट अस सपोज हमने कर लिया कि उसका जो पॉकेट मनी था, लेट पॉकेट मनी, है ना, उसका जो पॉकेट मनी था उसको हमने लेट कर लिया एक्स है, ठीक है। अब वो क्या करती है, 100 रुपीज यहां से 496 रुपीज ये तो वो क्या करती है कि पर डे देती रहती है, ठीक है। फर्स्ट दिन 1 रुपए, सेकेंड डे दूसरे 2 रुपए, थर्ड दिन 3 रुपए, फोर्थ डे 4 रुपीज, है ना, इस टाइप से देती रहती है। साथ ही साथ वो स्पेंड करती है, कितना स्पेंड करती है, 204 रुपीज ये स्पेंड भी करती है, और उसके बाद भी अभी उसके पास बचा हुआ होता है 100 रुपए, है ना, यानी इतना स्पेंड करने के बाद भी उसके पास 100 रुपए बचा हुआ है। तो बस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लो ना भाई, पॉकेट मनी आपको निकल जाएगा। तो एक्स माइनस दोनों को ऐड कर लिया था, 0907 = 100, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 100, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया, दैट इज 800 रुपीज, यानी कि उसका जो पॉकेट मनी था वो जनवरी मंथ के लिए वो टोटल कितना था, 800 रुपीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। थर्ड पार्ट में आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय कनिका टिल जनवरी 13, है ना, मतलब 13 जनवरी तक वो कितने रुपीज सेव करती है, इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। यानी कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या निकालना है, A13 निकालना है। तो आइए थर्ड पार्ट बनाते हैं इसका, थर्ड पार्ट बनाते हैं,
हाँ, तो ये इसके लिए एपी आपको पता है कितना था, 1 2 3 4 डॉट 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 31 है ना, यहां तक था। यहां पे ए का वैल्यू 1 होगा और डी का वैल्यू भी 1 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयर फोर A31 कैसे फाइंड आउट करेगा, A+30D, A का वैल्यू कितना है, दैट इज 1+30 है ना, 30, 30 का 30 तो 30 ही होगा यार, इसका वैल्यू क्या होगा, इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 1+30 इक्वल्स टू कितना हो गया, 31 रुपीज। यही हो गया क्या, यही हो गया क्या, बिल्कुल यही हो गया हमारे पास। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे कितना था, 13 था ना, 31 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हमने कर लिया 13, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 12D। एक सेकेंड, ये 12D, ये 12 हो गया, और 12+1 13, यानी कि वो 13th डे कितना सेव करती है, 13 रुपीज वो सेव करती है। अगर हमसे पूछा कि टोटल कितना सेव करती है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेट इज S13, और उसका वैल्यू क्या होगा, डेट इज N/2 इंटू A+An है ना, A13 तो हमने निकाल रखा है ना, तो S13, तो आइए इसको हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेट इज S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है, 1+An, यानी कि A13 का वैल्यू आपको पता है कितना आया है, दैट इज 13। सारा का सारा फॉर्मूला है भाई, आराम से पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, इधर मिटा दिया जाए, इधर मिटा दिया जाए, अच्छी बात है। आइए अब हमारे पास क्या होगा, S13 इक्वल्स टू कितना हो गया, 13/2 इंटू इंटू कितना हो गया, 14। आइए 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा, S13 इक्वल्स टू 91 है ना, यही होगा ना भाई, हाँ 91। इतना रुपीज वो क्या करती है, 13 डेज तक वो सेव करके रखती है। ठीक है, देख रहे हो कितना सेव कर रही है, 91 रुपीज 13 दिन में, बप्पा अमीर अमीरी। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट केस बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं, किसका देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का।